वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो संगत जी, इस समय खड़े हैं अपा नाडा साहब, जो पंचकुला चंडीगढ़ स्थित है जी। आओ इत्थे तुहानू गुरद्वारा साहब दे कराउने आ जी दर्शन। गुरद्वारा नाडा साहब चंडीगढ़ मोहाली, तकरीबन सारा नूं पता ही होना जी नाडा साहब गुरद्वारा का। तो तुहानू दस दिए असी पंचकुला नाडा साहब, तो इत्थे आपां अज पहुंचे हैं पड़ा दर पड़ा जिथे अपनी यात्रा चली हुई है गुरु महाराज के जीवन मार्ग के उपर। तो सो इस समय आपां पहुंचे हैं जी पड़ा दर पड़ा आपां पहुंचते हुए इत्थे पहुंचे हैं जी गुरद्वारा नाडा साहब के। आओ तुहानू इत्थों दे कराउंदे हां दर्शन जी। इतिहास बारे तुहानू जिन्ना इत्थे लिखा होया जां मैं पढ़िया वो तुहानू उहदे बारे दसण की कोशिश करदे हां जी। गुरद्वारा नाडा साहब जिहड़ा स्थान है जी, ये महाराज जदों पंघाणी गए युद्ध तो बाद जितण तो बाद इस दे एरिए दे विच पहुंचदे हन, तां इस एरिए दे विच जंगल दा एरिया सी। तां जंगल दे विच लवाणा सिख सी इक नाडू शाह। नाडू शाह सिख नूं पता लग्या जो गुरु महाराज ने इत्थे उतारा कीता सी, आके जंग तो बाद इत्थे रुके सी, ते नाडू शाह लवाणा ने महाराज की सेवा कीती। महाराज ने उसनू खुश होके बार दिता, इत्थे एक स्थान बनेगा और तेरा रहिंदी दुनिया तक नाम रहेगा। इसे तो लैके उस जगह का नाम, इस जगह ते महाराज रुके सन, इसका नाम नाडा साहब के नाम से चलता जी। ये जिहड़ा इत्थे लवाणा सिख सी नाडू शाह सी उसका ही एरिया सी नाडा साहब, तो उत्थों की यह जगह दे विच गुरद्वारा बनया होया जी, ये नाडा साहब। आओ तुहानू हुण अगे दे गुरद्वारा साहब दे वीडियोग्राफी की जे इजाजत होई तां तुहानू दर्शन करवावांगे जी। वाहिगुरू जी की फतेह। सरबंस दानी अमृत के दाते करगीधर पातशाह, मर्द अगंबड़े पंथ के वाली धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, पौंटा साहब पंघाणी साहब के पहले युद्ध को फतेह करने उपरंत गुरु साहब जी अपने परिवार के फौजा समेत गुरु साहब जी वापस आनंदपुर साहब में आए। 1746 बिक्रमी गुरु साहब जी ने इस घग्गर दरिया के नेड़े एक पासे स्वर्ग दी पहाड़ियाँ और नाडा साहब जी पावन धरती में अपने चरणों की छोह देते पवित्र किया। गुरद्वारा साहिब पातशाह नाडा साहब जब गुरु साहब जी इतने आन करके अपने चरण पाए, बाबा नाडू शाह को पता लग्या तो उन्होंने तन मन धाते गुरु साहबां की सिखां की संगतां की सेवा की है। तो सेवा तो गुरु साहब जी प्रसन्न होए हैं, सा सेवा की सफल है। जब सतगुरु का मन मने या सतगुर का मन मनिया तो पाप संबल भले, और सेवा तो प्रसन्न हो करके गुरु साहबां ने बाबा नाडू शाह पूछे भाई सिखा की काम करदा, उन्हें बेनती की सतगुरु जी आप जी का नवाणा जहाँ सिखा तो खेतीबाड़ी करदा। तो गुरु साहबां ने उन्होंने वर दिता, टुट के बख्शिश की सी कि नाडा साहब के नाम के नाल ही स्थान जरा प्रसिद्ध होगा। गुरद्वारा साहिब पातशाह नाडा साहब दुनिया के प्रसिद्ध है, बिंद संगत हाजरी भर के लहा लेंदियां ने, गुरु साहबां की बख्शिश प्राप्त कर दिया ने। तो इतने बहुत वधिया प्रबंध जोड़ा है किया होया, रहने वास्ते सराह है, लंगर के प्रबंध ने, पार्क के प्रबंध ने, ये सारा दिन कथा कीर्तन होंगे, हर पूर्णमासी अमर संचार होंगे। तो लखा संगत हाजरी भर के लहा लेंदियां ने। तो दौड़ है आप नाम बाणी ने जुड़ के खंडे की पौध छक के बाणी बाड़ी ने जुड़ के अपना जन्म सफला करिए बेनती प्रवान करनी। तो वीर जी का धन्यवाद जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के मार्ग की यात्रा कर रहे हैं। सो जिते जिते गुरु साहबां ने अपने स्थानों में चरण पाए है बख्शा की उस स्थानों की यात्रा कर रहे हैं वीर जी। सो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद, नाडा साहब आ के पहुँचे ने, इन्होंने दर्शन किए गुरु साहबां के। सो को जानकारी ली है कि अगले जोड़े स्थान इन्होंने दर्शन करने वास्ते जाना
राणी का रायपुर मान टपरा टू टोका साहब नाहन पौंटा साहब अगर जाना इन्होंने। सो बहुत बहुत धन्यवाद फुला चुका की खिमा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी ये गुरद्वारा नाढ़ा साहब के दर्शन तो गुरु महाराज इत्थे रुके सन आके जी। तो इतिहास गुरु साहब का इदा ही है जी, जो मतलब तुम एक दिन दे रुके जाता मतलब महाराज ने हर जगह कौतक नहीं वरताए, पर जिते महाराज ने एक दिन के लिए ठहरा वह स्थान तुहानू दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास जिदा का इतने लिखा हुआ वो तुहानू असीं दर्शन कराने हैं, ज ग्रंथी सिंह तो बोल के असीं पुछते हैं तो इदा का इतों से जुड़िया हुआ तुहानू इतों के दर्शन कराते जी। तो हुण आपां अगे नूं चलते हैं जी, तो तद तक लई माफ़ी। तो चैनल दे नाल जुड़े रहना, सफ़र विद जगतार सुझाव देने ना भुलने जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।